नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज है 1 जनवरी 2024, दिन है सोमवार, नया साल शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मेरे घर होम टाउन में, मतलब हम लोग दिन भर क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसेस जो है घूमने वाली टहलने वाली, सब आपको दिखाता रहूंगा। बने रहे हमारे चैनल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो ये है मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ। बहुत ही आलिशान घर है ये। मेरे घर के काम करने वाले दो लड़के हैं, बच्चे हैं। अच्छा ठीक है। अबे छोटू वोटू। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा खाने पीने के सामान लेके आएंगे। बने रहे हमारे चैनल पे। तो गैस ये होने वाली है आज हमारी सारथी, जो कि हमारी स्कूटी चलाएंगी। इनका नाम है इशुशु। एक बार में स्कूटी भी नहीं मुड़ती तुझसे। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं स्कूटी पे, हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। घंटा घर चल रहा है, यहाँ पे घंटा घर एक है, वहाँ हम चलेंगे। काफी एक्साइटेड हूँ मैं खस्ता खाने के लिए सुबह सुबह। ये है हमारी घंटा घर की गली, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक गली है हमारी। यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था दो बार। पहली बार अपनी मोटरसाइकिल कबाड़ा यही बनाया था, यही गली है। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। तो गाइस ये है वो घंटाघर जिसके बारे में बता रहा था, मेरे शहर का बहुत ही खूबसूरत घंटाघर, मेन मार्केट में है ये। तो नए साल के उपलक्ष्य में हम कुछ भूखों को यहाँ लेके आए हैं, ये इन भूखों का पेट भरना है हमें, खस्ते खिलाने इनको। खस्ते हमारे आ चुके हैं। तो गाइस बारी आई है अब इस मक्खन की। तो दोस्तों हमने सांप के लिए दूध ले लिया है, सांप दूध पी रहा है। यम्मी है। तो गाइस ये है मक्खन, खा के दिखाओ। ओह अब हैव सम मक्खन, एक स्पून ले लो। ओह माय गॉड सोफिस्टिकेटेड। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं धनोखा चौराहे की तरफ, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है बहुत पुराना, हम लोग वहाँ जाके बाहर से मत्था टेक लेंगे और फिर वहाँ से आगे का सफर तय करेंगे। ये खूबसूरत जगह हमारे शहर की, और तगड़ी स्कूटी ड्राइवर हमारी है। तो गाइस ये है वो हनुमान जी का मंदिर जो मैं बता रहा था। तो गाइस धनोखर मंदिर तरफ से हम लोग निकल के अब हम लोग जा रहे हैं छाया चौराहे की तरफ। छाया चौराहा हम लोगों की तरफ एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे सामान, मतलब शाम के टाइम ही हम लोग वहाँ बेसिकली जाते हैं खाने पीने। अभी हम आपको ऐसे दिखा देंगे कि कहाँ पे कहाँ कहाँ क्या 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 मिलता है। दैट विल गिव अ बेटर आइडिया। ये है बाराबंकी की वो दुकान जो मैं बता रहा था, सरस्वती स्वीट्स। बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे, बस मैं मीठा खाता नहीं हूँ। तो दोस्तों ये है वो छाया की फूड स्ट्रीट जिसके बारे में बता रहा था। यहाँ पे सब रेडियां लगती हैं और यहाँ पे बहुत कम रुपए में बहुत ज़्यादा कुछ खाने को मिल सकता है। ये बहुत ही तगड़ी पिज़्ज़ा वाली शॉप है, यहाँ पे सस्ते में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। ये हमारे शहर का पार्क है जिसमें लोग अभी अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाने का, पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न हो सकता है। बट ये इकलौता पार्क है जो कि हमारे शहर का एक अकेला ऐसा पार्क है जो बहुत पुराना है और मतलब है बस। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सारी दुकानें बंद हैं, शाम को ये खुलेंगी और यहाँ बहुत भीड़ होती है, यहाँ बहुत खाने को मिलता है, मज़ा आता है। पावाजी वाली शॉप है मेरी फेवरेट। ये जो मैंने लास्ट में पावाजी वाली शॉप दिखाई है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन देते हैं पाव और चिली पनीर का, मैं दो दिन से लगातार खा रहा हूँ और लग रहा है मेरा SGPT SGOT बढ़ जाएगा। वो तो लीवर टेस्ट करवाने के बाद पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे ठंडक बहुत होने की वजह से लकड़ियाँ उतारी जा रही हैं, शाम को जला के तापेंगे सब लोग, आम पब्लिक ये करेगी यहाँ पे काम। अब हम लोग चल रहे हैं छाया चौराहे से राजकमल की तरफ और उसके आगे पड़ेगा हम लोग का घर। ये भोलेनाथ का मंदिर है, कैलाश आश्रम, और हम लोग पहुंच चुके हैं राजकमल। राजकमल एक सिनेमा हॉल होता था, अब वो एक मैरिज हॉल बन चुका है, ये देखिए। और ये हम अपने घर के रास्ते की तरफ हैं, अपने घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में।
सुबह सुबह खस्ते और मलाई मक्खन खाने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज एक प्लान और है कि मुझे लखनऊ भी जाना है, तो अभी मैं बताऊंगा कि मैं लखनऊ कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचते हैं हम लोग, क्या प्रोसेस है जाने का। हालांकि मैं तो सोच रहा हूँ कैब ही कर लूँ, ठंडक बहुत है, बट देखते हैं कैसे ट्रैवल करना है। और मैं सोच रहा हूँ अपने घर वालों को परेशान करूँ, अब थोड़ा सा परेशान भी करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तू इस जगह गाना अच्छा नहीं था मेरा। गाइस ये तो पागल है मेरे घर के, इन लोगों के दिमाग में हमेशा फिरा हुआ रहता, देख रहे हैं आप सब। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, और रास्ते में आज बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक है रोडवेज वालों की। तो प्रसून सर हमको लेने आए, ये हमारे एडिटिंग टीम के हेड है। प्रसून सर सभी को प्रणाम। और अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, तो आगे का अपडेट आपको देते हैं। और ये हम लखनऊ की गलियों में, प्रसू सर के पड़ोस का मॉल एमराल्ड मॉल, अब हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ गाड़ी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। अंदर तरफ जाते हुए हम लोग क्रिसमस के नशे नहीं उतर रहे लोगों के। एमराल्ड मॉल ठीक है, अच्छा है, नाइस प्लेस। और ये है लखनऊ का फिनिक्स मॉल, भीड़ बहुत बुरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है जो है। तो गाइस ये थी हमारी 12 अंकी की ट्रिप, अब हम वापस आ चुके हैं नोएडा, और इसी के साथ हमारा हॉलिडे खत्म होता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, ये देखिए कोहरा ही कोहरा, हाईवे की खूबसूरती, और उधर का कोहरा देखिए, ये ग्रीन बेल्ट का कोहरा, वाह व्हाट अ व्यू। तो गाइस और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, बाय बाय।